बजरा पार्क और ये ग्रीन बजरा डैम इसको कहते हैं, डैम तो नहीं है ये लेक है, वो भी आर्टिफिशियल सी। ठीक, ये सामने यहाँ पे कैकिंग कर सकते हैं आप। कैकिंग के रेट यहाँ पे कम है, 15 दिरहम सिंगल का है और 30 दिरहम डबल का है। और ये साथ बहुत ग्रीन एरिया, बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है और ये सामने पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, तो बहुत प्यारे व्यू हैं इधर से। और फैमिली के लिए ये अलैन में बहुत प्यारा एरिया है ये। अभी मैं आपको कैकिंग के रेट दिखाता हूँ जाके। ये रेट हैं जनाब 15, 30, 75, 200। पैसे भरने के बाद ये मिल गया हमें। जी जी, ये झूलेलाल। हाँ जी, वाह कैसा है? सबर 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 सबर। ये है जनाब हमारी कैक डबल वाली और ये व्यू है, आर्टिफिशियल लेक है ये। और ये सामने पहाड़ों का व्यू है। ये अपने ये है वो कयाक, दो लोगों के लिए 30 दिरहम है, अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन बंदा थक जाता है 10-15 मिनट में तो फिर वापस ही जाना होता है। ये व्यू है सारा इधर से। ये छोटी सी आर्टिफिशियल लेक है जिसको मुबजरा डैम का नाम दिया हुआ है। और साथ में ये एरिया बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी भी आगे भी बहुत चीज़ें हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके वीडियो में। कयाकिंग फिनिश, थक गए थे। ये थोड़ा सा पार्क दिखाता हूँ आपको कितना ग्रीन है, उसके बाद आपको लेके चलते हैं दूसरी साइड में। ये सामने जो आपको नज़र आ रही हैं पहाड़ खूबसूरत से, ये वो पार्क है। कयाकिंग हमने कर ली है तो अभी हम जाएंगे दूसरी साइड पे, जिधर वो छोटी मोनोरेल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसी एरिया में, और दूसरी तरफ थोड़ा सा इधर से आगे जाते हैं, 2 या 4 मिनट का रास्ता सिर्फ। और ये पार्क सा बना हुआ है, ये आर्टिफिशियल लेक है और यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं। और ये कयाकिंग जो आपने देखी, बस ये एक्टिविटीज़ हैं इधर, बाकी पिकनिक पॉइंट अच्छा है। ये पार्क है बस ग्रीन पिकनिक के लिए अच्छा है। ये सामने थोड़े से ये पहाड़ जैसे हैं, साइकिलिंग रेंट पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग मौजूद है। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, बच्चों के लिए खेलने की जगह बनी हुई है और बड़ों के लिए पिकनिक के लिए, लोग यहाँ पे आते हैं, खाना वगैरह लेके आते हैं, इधर आके बैठ के खाते हैं। बस यही कुछ है इस जगह में। पाँच मिनट की ड्राइव करके आए हम, यहाँ पे भी पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया। और ये इधर है मिनी ट्रेन, तो यहाँ से आप उस पर जाते हैं, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। टिकट प्राइस 25 नाउ बिफोर 20, टिकट प्राइस 20 थी, अभी इन्होंने 25 कर दिया है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है,
ये जनाब 25 दिरहम में अब ये कार के आए हैं। 3-4 मिनट का राउंड होता है, लेकिन इस जगह के पास खूबसूरत एरिया बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, पार्क पिकनिक के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन सिटी से बहुत दूर है, अबू धाबी से काफ़ी सारा ये दूर है। अलैन से भी 25 मिनट लगे हैं हमें टाउन सेंटर से यहाँ पे पहुँचते हुए। पहले 20 था, अभी ये 25 हो चुका है। ये दूसरी साइड में है पार्क, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आगे पिकनिक वाला माहौल है। और ये उस तरफ भी थोड़ा सा एरिया बना हुआ है पहाड़ों के दरमियान, ग्रीनरी। ये थी ग्रीन मुबजरा की वीडियो आपने देखी, जो जिसमें वो छोटी सी जो आर्टिफिशियल लेक, और उसके अलावा जनाब ये पार्क आर्टिफिशियल ग्रीनरी बनी हुई है इधर, और ये पहाड़ों खुश्क पहाड़ों के दरमियान में ये चिल्ड्रन प्ले एरिया बना हुआ है इधर थोड़ा सा, उस साइड में भी था। और ये मिनी रेल की भी आपने वीडियो देखी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं ग्रीन मुबजरा में आके। अब इसमें पानी पता नहीं किस साइड से आ रहा है, इसका सोर्स नहीं पता। तो यही थी सारी ग्रीन मुबजरा की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव एंड पीस फॉर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। लोकेशन मैं डाल दूंगा कमेंट्स में, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।